हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 9 तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको तमाम लेक्चर मिल जाएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीनोमियल, ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखते हैं क्या है हमारे लिए। टू पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग द अपोजिट, ठीक है, दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, सेम है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच आ अदर साइड ऑफ रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल हैं जो 80 मीटर के दूरी पे एक दूसरे पे अपोजिट खड़े हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। रोड के मतलब एक रोड है, उसके मतलब जो अपोजिट साइड दो पोल खड़े हुए हैं उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 60 डिग्री और कितना 30 डिग्री। पोल की लंबाई बतानी है, प्लस आपको अब फिगर में मैं समझाऊंगा और क्या फाइंड आउट करने हैं। चलिए आप अपना बुक साइड में रख लीजिए और मैं जो जो बता रहा हूँ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप देखते रहिए। तो चलिए जो जो दिया है वो पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है दो पोल जो इक्वल हाइट के हैं, तो हम यहाँ डायग्राम बना लिए, ठीक है। ये मान लेते हैं ग्राउंड है, इसको आप नोटिफाई कर दीजिए ABCD, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब एक पॉइंट ऐसा है रोड के बीच में जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहला कितना यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री मान लीजिए, और दूसरा यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 80 मीटर दिया गया है, और ये पॉइंट मान लीजिए O। तो क्वेश्चन में यही चीज़ आपसे पूछा है, AB हाइट, CD हाइट। चूँकि AB बराबर क्या है क्वेश्चन में दिया है, CD, तो ये आप याद रखिए क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे पूछा है DO की लंबाई मतलब डिस्टेंस और BO का डिस्टेंस, और पूरा डिस्टेंस इसका कितना है 80 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना किस तरीके से ये लगेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट AB एंड CD, AB एंड CD बी द पोल्स, ठीक है, पोल्स एंड O is point from where the elevation angle are measured, ठीक है। वहाँ से हमने क्या कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये काम हो गया, दो पोल है जिनकी लंबाई क्या है इक्वल है, और पॉइंट O है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर रहे हैं। अब चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO में टैन थीटा, कौन सा टैन थीटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो AB अपान में BO, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, AB अपान में BO रहने दीजिए, टेन 60 की वैल्यू रूट में 3, AB अपान में BO, तो यहाँ से BO की वैल्यू निकाल लीजिए, तो BO आपका आ जाएगा AB अपान में रूट में 3। तो ये कंडीशन आप रखे रहिए। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल CDO में, कौन से एंगल में, CDO में कौन सा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो CD अपान में कौन सा DO, तो टेन कितना 30 डिग्री, तो CD अपान में DO। चलिए टेन 30 की वैल्यू 1 अपान में रूट में 3, तो CD, अब आपको CD और ये DO को ऐसे रहने दीजिए,
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। कौन सा रिलेशन? बी डी टोटल लंबाई आपको दिया है, तो बी डी इक्वल टू बी ओ प्लस डी ओ, बी डी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू डी ओ। तो यहाँ से आप डी ओ की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू? डी ओ, डी ओ हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डी ओ की, तो बी डी माइनस बी ओ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बी डी की वैल्यू आपको प्राइड है, तो डी ओ इक्वल टू लिख सकते हो 80 माइनस बी ओ। तो चलिए अब ये रिलेशन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से 1/√3 सी डी अपान में 80 माइनस बी ओ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस बी ओ इक्वल टू √3 सी डी। ठीक है, अब आपको बी ओ आप निकाले थे, ठीक है बी ओ ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 80 माइनस ए बी अपान में √3 सी डी। ठीक है, अब आप जानते हैं ए बी बराबर सी डी, दोनों पोल आपस में बराबर हैं, तो चलिए पुट कर दीजिए ए बी के स्थान पे सी डी, तो ए बी यहाँ पे सी डी √3 इक्वल टू √3 सी डी। ठीक है, उसको उधर भेज दीजिए, तो 80 इक्वल टू आप लिख सकते हैं √3 सी डी प्लस सी डी √3, तो 80 इक्वल टू यहाँ पे सी डी आपका कॉमन दिख रहा है, तो √3 प्लस 1/√3। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, √3 मल्टीप्लाई तो 3, तो सी डी 3 प्लस 1/√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल 80 इक्वल टू 4 सी डी 1/√3, तो 4 × 4 = 80, तो सी डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 20√3। ठीक है मीटर, तो ये आपका निकल गया पोल की लंबाई, तो सी डी की लंबाई कितनी आई, 20√3। ठीक है, तो ये आपका हाइट आ गया। तो अब जानते हैं आप कि आप लिख सकते हैं क्या, सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20√3, तो यानी ये भी लंबाई कितनी होगी, 20√3। चलिए यहाँ तक आपको फाइंड आउट हो गया, अब आपको यहाँ पे जो रिलेशन फाइंड आउट किए थे बी ए इक्वल टू ए बी अपान √3, तो बी ए चूँकि बी ए इक्वल टू ए बी अपान में √3, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 20√3। तो यहाँ पे पुट करिए 20√3/√3, तो यहाँ से आपका बी ओ डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, 20 मीटर। अब ये वाला डिस्टेंस आपका मिल गया 20 मीटर। अब आपको डी ओ भी फाइंड आउट करना है, चलिए नेक्स्ट वाले में सॉल्व कर देते हैं, इधर ही दोस्तों सॉल्व कर देते हैं, या फिर अभी पेज हम देखते हैं यहाँ पे खाली है कि नहीं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। चलिए यहाँ पे पेज खाली है, तो यहाँ पे आपको निकालना था डी ओ, तो डी ओ के लिए रिलेशन क्या लिखे थे, बी डी माइनस बी ओ, तो बी डी की वैल्यू कितनी थी टोटल, 80 मीटर, और बी ओ आपने अभी कितना निकाला, 20, तो ये आ जाएगा 60 मीटर, तो डी ओ इक्वल टू 60 मीटर। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे जो जो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ पेपर, तो ये टोटल हमारा निकल गया है, तो सॉरी पेज हमने कहीं गुमा दिया, तो ये है दोस्तों पेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था आपको दोस्तों, सबसे पहले दो पोल की लंबाई दिया था, ठीक है ए बी का डिस्टेंस सी डी का डिस्टेंस आपको इक्वल दिया था, अब यहाँ का बी और डी के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर दे दिया था, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 60 मीटर, 60 मीटर, ये 20 मीटर हमने फाइंड आउट किया।
तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल लिया ए बी सी टेन थीटा ए बी अपान में बी ओ, तो वहाँ से सॉल्व करके आपने बी ओ की वैल्यू निकाल ली, ये रिलेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन अपनाया, बी डी इजकल टू टोटल डिस्टेंस इजकल टू बी ओ प्लस डी ओ, तो यहाँ से आप डी ओ निकाला 80 माइनस बी ओ। तो ट्रायंगल सी डी ओ में, सी डी ओ में आपने सॉल्व किया, तो यही रिलेशन सी ये वाले रिलेशन में रख दिया। जैसे यहाँ पे रख दिया तो आपको सी डी मिल गया, सी डी इजकल टू ए बी है तो ये रिलेशन। अब बी इजकल टू आप फाइंड आउट किए थे ए बी अपान में रूट थ्री, तो ए बी यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ गई थी 20√3, तो यहाँ से आपका बी ओ निकल गया। और उसके बाद आप इस वाले रिलेशन से आप क्या निकाल लिए, डी ओ, चूँकि बी ओ की वैल्यू 20 आई, तो 80 माइनस 20 कितना आया, 60 मीटर। तो ये हमने सब लेंथ फाइंड आउट कर लिया, हाइट ऑफ डिस्टेंस, डी ओ की लंबाई, बी ओ की लंबाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया क्योंकि पेज थोड़ा मेरा अरेंज करने में गड़बड़ हो गया, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।